आपने फिल्म देखने से पहले ही कह दिया। डेफिनेटली जैसा प्रोमो लग रहा है एंड द फिल्म इज़ ऑल्सो सेम वे प्रोमिसिंग, और जैसे रोहित सर की फिल्म से एक्सपेक्टेशन होती है इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। एंड जब सिम्बा सिंघम और भाले राव एक साथ आ जाते हैं तो आई थिंक सो दैट्स वॉट द फिल्म इज़ अबाउट। एंड 24th March आई गेस दिस इज़ द सेकेंड बॉलीवुड फिल्म विच इज़ गोइंग टू बी 24/7 एंड इट्स पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी ऑल्सो आर लुकिंग फॉरवर्ड। इंटरेस्टिंग था बेसिकली थ्री सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, आई थिंक सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना, इनफैक्ट रोहित सर इज बेस्ट एट वॉट ही डज एंड व्हेन इट कम्स टू एक्शन ही इज द बेस्ट अमंग्स द लॉट। एंड जस्ट एक्साइटेड टू फॉर द फिल्म टू रिलीज। प्रोमो के काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए हैं एंड पीपल जिसने भी देखा है मुझे डेफिनेटली मैसेज किया है, सो आई फील दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी दैट इवन इन 4 frames इफ अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है आपके काम के लिए तो वो आपके लिए एक छोटी सी अचीवमेंट होती है एंड दैट्स व्हाट आई फील राइट। एक्चुअली द टाइटल इटसेल्फ गीत पतंगे, जब पतंग की बात आती है पतंग हवा में खुले आसमान में उड़ती है और मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट भी वैसे ही कि इस फिल्म का सब्जेक्ट भी वैसा ही है कि क्या मन आपका जो मन कहता है वो करो लाइफ में, जो आपका पैशन है उसे फॉलो करो एंड दैट्स व्हाट द टाइटल सेज गीत पतंगे। तो इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म एंड ऑफकोर्स शिविन बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा कलाकार है, तो मैं उसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं अपने सारे फैंस जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं प्लीज़ सूर्यवंशी जाके ज़रूर देखिएगा और मेरी दूसरी फिल्म है एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें और आपकी दुआओं में याद रखिए और मैं अच्छा काम करते रहूँगा। थैंक यू।